एवोल्यूशन ऑफ लीफ नहीं पढ़ाया था मैंने, एवोल्यूशन ऑफ लीफ पढ़ाया तो था भाई, अदा चुप करे बो, मैंने पढ़ाया था ना एवोल्यूशन ऑफ लीफ में से एक थ्योरी जिसका नाम था एनिमेशन थ्योरी, और दूसरी थ्योरी जिसका नाम था रिडक्शन थ्योरी। हाँ भाई, साइलोटम राइनिया और मैसिव टेरिस में से लिविंग फॉसिल कौन सा है? साइलोटम राइनिया और मैसिव टेरिस में से लिविंग फॉसिल कौन सा है? वो तो फॉसिल है ना, लिविंग फॉसिल जी। ये मैंने कल शायद उल्टा सीधा पता नहीं कैसे बताया था, मुझे याद नहीं मैंने क्या बताया था। बच्चे कह रहे हैं कि भाई मैसिव टेरिस जो है वो, अभी भी मैं श्योर नहीं हूं, शायद ये लिविंग फॉसिल है, ये कंफर्म कर लें ठीक है ना, कि राइनिया, राइनिया तो फॉसिल है, मैसिव टेरिस और सीलोटम में से लिविंग स्पीशी कौन सी है? मेरे ख्याल में मैसिव टेरिस लिविंग ऑर्गेनिज्म है और सीलोटम लिविंग फॉसिल है, मगर फिर भी इसको कंफर्म कर लें। चलो, क्या पढ़ना था? फर्न हो गए थे ना, फ्रॉन्ड, रेकिस, सोरा, सर्सिनेशन, ये याद की बातें, तो ये आपकी थ्योरी आ गई है। कौन सी थ्योरी? वेबिंग थ्योरी। दो थ्योरी हो गई हैं, एक थ्योरी का नाम क्या है? पहली थ्योरी जो एक्सेप्ट करती है साइलोप्सिडा से लीफ का निकलना, इनेशन थ्योरी, और जो कहती है लाइकोप्सिडा से लीफ इवॉल्व हुए हैं, लाइकोप्सिडा में डायकोटमस ब्रांच ने एनिक्यूल ग्रोथ की है, एक रिड्यूस हो गई है, दूसरी ने अपनी ग्रोथ फुल की है, जो रिड्यूस हो गई उसने मास बना के लीफ बना दिया है, रिड्यूस होकर लीफ बना दिया है, पेरेंटगामेटस मास फोटोसिंथेटिक सेल लगा दिए हैं अपने इर्द गिर्द, यूनिमीनेट लीफ, माइक्रोफिलस लीफ, माइक्रो लीफ, माइक्रोस्पोरोफिल भी थे, माइक्रो फोटोसिंथेटिक भी थे, है ना, जो माइक्रोस्पोरोफिल थे वो मिलके रह रहे थे, जिनको हमने कलेक्टिवली कहा था स्ट्रोब्यूलाय। दोनों लिविंग है, लिविंग तो है, लिविंग फॉसिल। ये भाई थ्योरी क्या कह रही है? देखिए, ये कह रही है कि हुआ कुछ यूं है, क्या हुआ है सुने, ये कह रही है, ये देखिए डायकोटमस ब्रांच है ना, यहां से फिर दो, तो जो डायकोटमस ब्रांच है, जो छोटी वाली डायकोटमस ब्रांच है, ये वाली, ये आपस में क्लोज आई है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में नहीं, डायकोटमस ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे क्लोज आई है, फिर जो इनसे दो निकलेंगी वो भी क्लोज, कुल मिला के अगर मैं ये यहाँ पे ही क्लोज बनी हुई है, असल में ये फिगर सही नहीं बनी हुई, इनको दूर रखना चाहिए था, फिर इनको थोड़ा क्लोज करना चाहिए था, फिर इनको और क्लोज करना चाहिए था, असल स्ट्रक्चर वो, फिर वही इनेशन की तरह, इनेशन की तरह क्या निकला है, ये इधर साइड से मास बना है, ये मास बना है पेरेंटगामेटस, अभी ये मास बना है, ये सारा मास बना है इधर, ये फुल फिल हो जाएगा, सारे का सारा फिल हो जाएगा, पूरे का पूरा ये ऐसे मास बन जाएगा, और इधर एक वीन, ये वीनलेट, ये वीनलेट की वीनलेट, ऐसे ये जो ब्रांचेस हैं ये वीनलेट कहलाएंगी और वीन्स कहलाएंगी, ये मल्टी वीनलेट लीफ बन गया, ये देखें इधर कंफर्म क्लियर, ये सारे का सारा मास बन गया, ठीक है। अब इसमें ये जो ब्रांचेस थे डायकोटमस, क्लोज आने के बाद इनके ऊपर दो डायकोटमस के बीच कंप्लीट मास आ गया है, दो के बीच, तीन के बीच, चार के बीच, जितने आपस में 10, 20, 40, 50 सब मिलके एक लीफ बन गया है, तो ये लीफ की इवोल्यूशन है, इसको वेबिंग थ्योरी कह रहे हैं। वेबिंग का मतलब है मास का भरना, ठीक है, इसके स्टेप होते हैं तीन, मगर हमें नहीं जाना कैसे रिडक्शन होती है ये वो। नाउ आज हम पढ़ेंगे अगले वाले प्लांट्स को, जिनका नाम है क्या, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अच्छा, गेमेटोफाइट, ब्रायोफाइट का बड़ा या स्पोरोफाइट, टेरिडोफाइट का बड़ा, स्पोरोफाइट से,
ब्रायोकान गेमेटोफाइट बड़ा है ब्रायो के स्पोरोफाइट से, पेरिडोकान स्पोरोफाइट बड़ा है। मेन प्लांट बॉडी जो प्लांट दिखे, जो ग्रो करे, जो मेन लगे आपको, वो ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट है, थैलस है। स्पोरोफाइट जुगाड़ी है, टेम्पररी है ना, ऐसा ही है ना। और टेरिडोफाइट में थैलस कुछ भी नहीं है, मेन बॉडी जायगोट से स्टार्ट हो रही है, यानी जो स्पोरोफाइट है वो मेन प्लांट बॉडी है। तो इवोल्यूशन क्या हुई है, गेमेटोफाइट को आगे जैसे जाएंगे टेरिडोफाइट जिम्नोएंजियो में, गेमेटोफाइट को क्या करते जाएंगे, रिड्यूस। और अभी तो ये ब्रायोफाइट में तो इंडिपेंडेंट था और खिला रहा था इसको, स्पोरोफाइट को, फुर्सीडा कैप्सूल को। टेरिडोफाइट में ये स्पोरोफाइट इससे क्या हो गया है, इंडिपेंडेंट। जिम्नोस्पर्म में जो गेमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, एंजियोस्पर्म में गेमेटोफाइट बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। तो गेमेटोफाइट चलते चलते रिड्यूस हो रहा है और स्पोरोफाइट इवॉल्व हो रहा है। ये टोटल कंक्लूजन है पूरे प्लांट किंगडम का। जो भी चीजें घूमेंगी इसके अराउंड घूमेंगी कि गेमेटोफाइट रिड्यूस होता जाएगा, डिपेंडेंट होता जाएगा, और स्पोरोफाइट बढ़ता जाएगा, डोमिनेंट होता जाएगा, फोटोसिंथेटिक बनता जाएगा। अभी जो आपके प्लांट खड़े हुए हैं एंजियोस्पर्म, इनके अंदर अगर मैं पूछूं लीफ रूट स्टेम ये सारी चीजें, ये डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है, तो स्पोरोफाइट है या गेमेटोफाइट है। गेमेटोफाइट कब बनता है पता है, अब इधर वाले प्लांट एंजियोस्पर्म की बात करूं तो फ्लावर बना, फ्लावर के अंदर कितने पार्ट होते हैं, कैलक्स कोरोला एंड्रोशमेट, चार, दो रिप्रोडक्टिव दो वेजिटेटिव। भाई कैलक्स और कोरोला तो वेजिटेटिव है ना, कैलक्स ग्रीन होता है सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और फोटोसेंस के लिए, कोरोला इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, जो नेक्टर वगैरह जूस प्रोड्यूस करता है पोलिनेशन के लिए। जो दो हैं एंड्रोशम और गायनोशम, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो उनके अंदर स्पोरेंजियम होती है। तो अभी कहां पे स्पोरेंजियम बनी आपने देखा, ब्रायोफाइट में, कैप्स्यूल में, टेरिडोफाइट में, अलग अलग जगहों पे, स्टेम की चोटी पर इनके साथ सालोप्सीडा, लीफ का क्लस्टर इनके साथ लैकोप्सीडा एंड स्पेनोप्सीडा, और लीफ के नीचे इनके साथ फर्न टेरियोप्सीडा। अभी जिम्नोस्पर्म में देखेंगे क्या होता है, यहीं से स्टार्ट हो रही है बात। चलो एंजियोस्पर्म में कहां पे स्पोरेंजियम, एंजियोस्पर्म में एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, मतलब फ्लावर के अंदर, फ्लावर के कौन से लीफ के अंदर, जो बीच वाले एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, ये लीफ है मॉडिफाई होके, अभी कह रहे हैं हम एंड्रोशियम है, हम गायनोशियम है, और ये दो अलग लीफ है, एक के अंदर बड़ा स्पोर बनेगा, एक के अंदर छोटा स्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर और मैक्रोस्पोर। ये हेटरोस्पोरी होगी, होमोस्पोरी होगी, याद रखना है। ब्रायोफाइट होमोस्पोरस है, टेरिडोफाइट होमोस्पोरस है, एक्सेप्ट सेलेजिनिला, और भी है मगर आपको सेलेजिनिला याद रखना है, सल्विना मार्सिला ये वो बहुत सारे हैं, बस सेलेजिनिला याद रखना है। सेलेजिनिला किससे बिलोंग करता है, लाइकोप्सीडा से, हाँ टेरिडोफाइटा से, मगर लाइकोप्सीडा से, क्लब मॉस से, ठीक है। विस्कफर्म किसको कहा था, कौन से सालोप्सीडा को, सालोप्सीडा को कहा था है ना। चलो जी, एडियंटम ड्रायोप्टेरिस ओफियोग्लोसम ओस्मुंडा अजूला, ये बताइए ये किससे बिलोंग करते हैं। कोई कोई एमसीक्यूज हैं जिनमें ये पूछ रहा है, भाई आपको बड़ी डिटेल भी दे ना, वो तो पढ़ाया है ना मैंने कि फर्न, फर्न एडियंटम ओस्मुंडा ओफियोग्लोसम, ये याद क्या करना है इनमें से, जो बुक में, कौन से बुक में, इनमें से फर्न है ना, एडियंटम भी होगा, ये दो हैं। चलो बाकी को छोड़ दें भले। अभी मूविंग टू आज की बात, जिम्नोस्पर्म एंड बॉयज, जिम्नो का मतलब क्या है, ओपन नेक्ड, एनजीओ का मतलब इनक्लोज, ठीक है अंदर, स्पर्मा का मतलब बॉडी में है सीड,
तो सीड अंदर है, छुपा हुआ है, किसके अंदर है? ओवरी के अंदर। ओवरी से क्या बनता है? तो फ्रूट के अंदर सीड बनेगा। तो ये प्लांट फ्रूट भी बनाएंगे और सीड भी बनाएंगे। ओवरी है, ओवरी से फ्रूट बनता है, ये पता है आपको, सबको पता है, फॉर्म्स एंड फंक्शन में पढ़ के रखा है आपने। जिम्नोस्पर्म में सिर्फ और सिर्फ ओव्यूल होता है, जिससे ओनली क्या बनता है? सीड। ओवरी होती नहीं तो फ्रूट नहीं बनेगा। तो सीड कहां पे होगा? फ्रूट के अंदर होगा, फ्रूट है ही नहीं, तो सीड खुला हुआ होगा, जाहिर होगा, नेक्ड होगा। तो सीड खुला हुआ है, फ्रूट के अंदर नहीं है, इसीलिए इनको नाम दिया गया है क्या? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म होते हैं बड़ी ऊपर ऊंचाई बुलंदी पर, हाई एल्टीट्यूड पर, नारायण कागान, चित्राल, चिलास, गिलगित, कश्मीर, ऐसी जगहों पर। तो आपको पता है ना, अगर 1000 किलोमीटर फीट ऊपर जाएंगे तो 6.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिरेगा। तो जहां पे जिम्नोस्पर्म ग्रो कर रहे हैं वहां पे ठंड है या गर्मी है? ठंड है, ठीक है ना, ठंड है, बहुत ठंड है, और बर्फ होने के चांसेस भी हैं, होती भी है। अच्छा, बारिश भी होती है, बर्फबारी भी होती है, स्नो, ये वो हर चीज, मगर पानी नॉट अवेलेबल टू द प्लांट। क्यों? क्योंकि ये इधर ग्रो करते हैं ऊंचाई पर, जिम्नोस्पर्म इधर। अगर पानी बारिश गिरेगी इधर तो इधर रुकेगी थोड़ी, या इनकी रूट तो इधर है ना, तो पानी इधर थोड़ी जाएगा, पानी का फ्लो तो इधर आएगा। तो हम जो यहाँ पे बैठे हैं सिंध में, हमारे जमीन पर आके पानी यहाँ पे स्टे करेगा और एब्जॉर्ब भी जमीन में हो जाएगा। हमारे यहाँ जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं उनकी रूट्स को पानी मिलेगा, क्योंकि पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे पानी कैसे खड़ा हो सकेगा? तो ये एरिया जो ऊंचाई वाला एरिया है, 8 से 10,000, 13,000, 14,000 फीट बुलंदी, देन सी लेवल, ये बराबर टू द कौन सा एरिया? जीरो फिटिक। तो जिम्नोस्पर्म जीरो फिटिक प्लांट है। अभी मुझे बताएं, अभी मुझे बताएं, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो लीफ है वो कैसे होने चाहिए? बड़े होने चाहिए ताकि स्ट्रोमेटा ज्यादा हो, ताकि ट्रांसपायरेशन हो जाए, पहले पानी मिल ही नहीं रहा, ऊपर से ट्रांसपायरेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए इन्होंने क्या किया है, लीव्स को कन्वर्ट किया है या तो स्केल्स में या तो स्पाइंस में। खास करके जो लीफ होते हैं वो स्केली होते हैं, स्केली लीव्स होते हैं खास करके। स्केली का मतलब है पट्टी जैसे पतले, वाइड नहीं होते। और लीफ के ऊपर स्टोमेटा का तादाद कितना होगा? थोड़ा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया छोटा है। अच्छा, स्टोमेटा थोड़ा होगा, स्टोमेटा क्यूटिकल के अंदर होगा, क्यूटिकल ज्यादा होगी कि नहीं होगी? क्यों? तो अवॉइड द ट्रांसपायरेशन, वाटर लॉस नहीं कर सकते। अगर क्यूटिकल नहीं है तो स्टोमेटा संकीर्ण है कि खुला हुआ है? संकीर्ण मतलब अंदर दबा हुआ है, ताकि लाइट डायरेक्ट उसको ना लगे। लाइट नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? ऊपर बारी बड़ी मोटी लेयर है क्यूटिकल की, स्टोमेटा उसके अंदर है। क्यूटिकल से लाइट नहीं पहुंचेगी तो स्ट्रोमेटा जल्दी में नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। स्ट्रोमेटा थोड़े हैं और स्ट्रोमेटा जल्दी नहीं खुलने वाले, तो अवॉइड द ट्रांसपायरेशन। चलो अभी मुझे बताएं, अब इन लीफ पर कितनी मेहनत हुई है भाई? बड़ी ऐसे सिंपल लीफ नहीं है कि लीफ बना गिरा तो अगला बना दिया। इस लीफ को बना के इसके अंदर बड़ी डिफ्रेंसिएशन की है, छोटा होना चाहिए, स्टोमेटा ऐसे होने चाहिए, क्यूटिकल बड़ी होनी चाहिए, ऐसे हैवी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है प्लांट ने। तो ये लीफ फॉल नहीं करते, ये एवर ग्रीन होते हैं, ये एवर ग्रीन होते हैं, यानी इनके पत्ते नहीं गिरते, एक साल दूसरे साल पत्ते सेम रहते हैं। हमारे यहाँ जो प्लांट है एंजियोस्पर्म वो दोनों तरह के हैं, एवर ग्रीन भी हैं, डेसीडुअस भी हैं। डेसीडुअस मतलब जिनके पत्ते गिर जाएं, नॉन डेसीडुअस मतलब एवरग्रीन। तो एंजियोस्पर्म दोनों टाइप के हैं, मगर जिम्नोस्पर्म हमेशा एवरग्रीन। अच्छा, एक और बात,
जिम्नोस्पर्म जो प्लांट हैं उनके अंदर जो जीरोफिटिक कंडीशन है, लीफ का किस्सा हमने पढ़ा। अगर स्टेम की बात करें तो स्टेम बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये सारे तकरीबन ट्रीज होते हैं। ट्रीज होने की बात बताऊंगा कि क्यों ये सारे ट्रीज होते हैं। अर्ब होते ही नहीं, शर्ब होते ही नहीं। भाई सुने, आपके यहाँ कितनी सीजन्स हैं? चार है ना, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, चार। तो जिम्नोस्पर्म चार सीजन अफोर्ड नहीं करेगा, समझ आ रही है ना? अगर सीजन बिल्कुल गर्मी आ जाए समर, तो जिम्नोस्पर्म हैज गॉन, क्योंकि मजबूरन ट्रांसपिरेशन करनी पड़ेगी। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं करेगा तो हीट को मेंटेन नहीं कर सकेगा, समझ आ रही है बात? तो जिम्नोस्पर्म चार सीजन में नहीं हो सकता, इसीलिए हमारे सिंध में, पंजाब में नहीं है। अच्छा, बात यह है, एंजियोस्पर्म हमारे यहाँ है। अब जो प्लांट कह रहा है मैं गर्मी में ग्रो करूंगा सर्दी में नहीं, दूसरा कह रहा है मैं सर्दी में ग्रो करूंगा गर्मी में नहीं, तीसरा कह रहा है मैं स्प्रिंग में ग्रो करूंगा और ऑटम में ग्रो करूंगा, तो ये प्लांट, इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? हजारों साल, 100 साल, 2-3-4 साल? नहीं, कुछ माह। तो आपके यहाँ जो गंदम हो रही है, या आपका एंजियोस्पर्म है, जो चावल हो रहे हैं, मकई हो रही है, जो भी हमारे यहाँ प्लांट हो रहे हैं, ये एंजियोस्पर्म है। और कैसे हैं? 3-4 माह में लाइफ साइकिल कंप्लीट करने वाले। तो 3-4 माह में कोई बड़ा दरख्त तो थोड़ी बन जाएगा, तो ये छोटे रह जाएंगे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इनके अंदर आपको अर्ब भी मिलेंगे, क्योंकि इनके अंदर कैपेसिटी है कि जो चार जगह सीजन है एक जगह पे, उस एक सीजन में रहना। एक सीजन में मतलब 3-4 माह में ग्रो करना, लाइफ साइकिल पूरी करना अपनी, ठीक है? और ये जिम्नोस्पर्म कर सकेंगे अपनी लाइफ साइकिल पूरी, इनको 3-4-5 साल तो चाहिए मेच्योर होने में। इसीलिए ये जहाँ पे सीजनल वेरिएशन होगी वहां पे नहीं रहेंगे, ओनली ठंड में रहते हैं, और ठंड ऊपर है इसीलिए ऊपर ही खड़े हुए हैं। तो ये इनका ड्रॉबैक है कि इन्होंने नहीं सीखा डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को अडाप्ट करना, इन्होंने नहीं सीखा लाइफ साइकिल को कैसे शॉर्ट किया जाता है। लाइफ साइकिल को शॉर्ट करना भी एक फ्यूचर के गंदे अच्छे बुरे भले एनवायरनमेंट में रहने की अच्छी एक खासियत है, समझ आ रही है? तो अच्छे वाले प्लांट कौन से हैं जो हर जगह, हर मौसम, हर एरिया में रह रहे हैं? ये आपको जीरो फाइट में मिलेंगे, मीजो फाइट में मिलेंगे, अक्वाटिक भी मिलेंगे मतलब हाइड्रो फाइट में मिलेंगे, और हेलो फाइट भी मिलेंगे, समझ आ रही है बात? अच्छा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, हाँ, एक एक प्लांट की स्पेशी है जिसको हम कहते हैं इफेड्रा। इफेड्रा एक जिम्नोस्पर्म है जो कि शर्ब है। शर्ब, समझ आ रही है बात? जो बड़ा वुडी प्लांट भी ना हो और बिल्कुल सॉफ्ट भी ना हो। ये हर्ब सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन, इनका स्टेम भी ग्रीन होता है। जो भी ग्रासेस हैं उनको हम हर्ब कहते हैं। 1 माह में, 2 माह में, 3 माह, मैक्सिमम 6 माह में एज गॉन। और दूसरे प्लांट होते हैं शर्ब, जिनके अंदर जो स्टेम होता है वो इतना मोटा होता है, साइज 8 से 10 फीट तक जाती है, ट्री नहीं होता, इससे वुड नहीं मिलेगा, ये शर्ब। और ट्री के कैसे, जो बड़े दरख्त हैं जैसे नीम का, आम का, ठीक है, ऐसे बड़े जो दरख्त हैं, पीपल का, ऐसे ये ट्रीज हैं। हाँ भाई, एनुअल प्लांट किसको कहते हैं? एनुअल, जो 12 माह के अंदर अंदर अपनी लाइफ साइकिल भले 3 माह में कर लें, तो बताएं ये एनुअल हो सकते हैं? ये एनुअल भी हैं, बायनियल भी हैं और पेरिनियल भी हैं। और ये वाले ओनली पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब है 3 या 3 साल से ज्यादा साल लगेंगे अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने में। तो यूनिसेक्सुअल पॉसिबल इन जिम्नोस्पर्म, यस है यूनिसेक्सुअल, पाइनस प्लांट यूनिसेक्सुअल है, पढ़ेंगे हम, देखेंगे। चलो भाई, जिम्नोस्पर्म की ये कुछ बेसिक्स हमने देखी, एंजियोस्पर्म की कुछ बेसिक्स देखी। अभी जिम्नोस्पर्म के बारे में थोड़ा और, कि भाई जो जिम्नो हैं उनके अंदर रूट हेयर नहीं होते, रूट हेयर नहीं होते, रूट डीप होती हैं, रूट हेयर नहीं होते। रूट हेयर का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन करना, सरफेस एरिया को बढ़ाना फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो रूट हेयर नहीं है, तो रूट हेयर ना होने की वजह से ये फंजाई को ग्रो करवाते हैं या बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। तो
तो प्लांट के रूट और फंजाए, प्लांट के रूट और बैक्टीरिया के बीच एसोसिएशन कौन सी? सिंबायोटिक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन। इसको हम माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। माइको मतलब फंजाए, राइजा मतलब रूट। मेजॉरिटी ऑफ द जिम्नोस्पर्म अपने रूट्स पर इनको ग्रो करवाते हैं कि भाई रहो, हम रहने की जगह दे रहे हैं, आप हमें फिक्सेशन ये वो एब्जॉर्प्शन करके दो। तो ये एब्जॉर्प्शन करके देते हैं कॉनिफर जिम्नोस्पर्म में, बता रहा हूँ। रूट बड़ी हैं, डीप हैं, क्योंकि प्लांट बड़ा है। मेजॉरिटी ट्रीज हैं, रेयर शर्ब हैं, हर्ब हैं ही नहीं, एनुअल हैं ही नहीं, पेरिनियल हैं। चलो, उसके अलावा जाइलम सुना है आपने, जाइलम के अंदर वेसल नहीं है इनके पास। वेसल और ट्रेकेट में से अच्छा वाला काम कौन करता है? एंड टू एंड पाइप की तरह अटैचमेंट, पानी का बिना रुकावट के ऊपर जाना है ना, वेसल का काम है। ये वेसल नहीं है इनके अंदर, और एनजीओ के पास वेसल है। और उसके अलावा जो फ्लोएम है आपने सुना है, फ्लोएम उसके अंदर जो सीव ट्यूब पड़ा था हमने, और कंपेनियन सेल ये भी नहीं है। तो ये फीचर किसके हैं? एंजियोस्पर्म के। कुल मिला के जो अच्छे वाले प्लांट हैं वो सबसे अच्छे वाले हाईली अडाप्टिव, हर जगह पे मिलने वाले, हर टाइप के, हर कैटेगरी के, वो एंजियोस्पर्म है। तो भाई जिम्नोस्पर्म की से सीड मिलेगा और चरने के लिए घास भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 100, 150, 200, 300, 400 फीट बड़े होते हैं। प्लांट है इनका सेकुआ, सेकुआ इनका प्लांट है, ये 400 फीट बड़ा है। सबसे बड़ा जो जिम्नोस्पर्म है सेकुआ है, ठीक है। और जो एंजियोस्पर्म है उनमें भी बड़े हैं, उनमें भी यूकेलिप्टस, जो बेद मुश्क कहते हैं, मुश्क बेद, क्या कहते हैं, मुश्क बेद या बेद मुश्क, यूकेलिप्टस अल्बा कहते हैं इसको एंजियोस्पर्म में से, ये सबसे बड़ा है यूकेलिप्टस, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म है, मगर ये छोटे भी मिलते हैं। चलो जी, जिम्नोस्पर्म के बारे में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। थोड़ी शॉर्टकट में बताऊं कि भाई कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं, देखें ये ब्रांच निकली है, ये ब्रांचेस हैं, तो यहां पे लीफ भी लगा दें। कुल मिला के शेप कैसे बनेगी? कौन की तरह? तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं कोनीफिरस। ये जिम्नोस्पर्म है, ये कोनीफिरस प्लांट। देखिए जाके पहाड़ी इलाके में एवरग्रीन, नीचे से मोटे होंगे, ऊपर पतले बनते जाएंगे। कॉमन सेंस है, ये पहले वाली ब्रांच है, ये बाद में निकली है, और बाद जिले छोटी हैं। कुछ प्लांट जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं, कोई ब्रांच नहीं स्टेम पे, ब्रांच लेस, एक जगह पे ये ऐसी यहां पे ब्रांचेस हैं, डेड पाम की तरह। डेड पाम नहीं है ये जिम्नोस्पर्म है, डेड पाम एंजियोस्पर्म है, ये डेड पाम की तरह दिख रहा है। इसको कहते हैं साइकेड, या प्लांट का नाम है साइकस, और इस ग्रुप को साइकेडेल्स कहते हैं। कोनीफिरल्स, साइकेडेल्स, ऐसे नीटल्स होते हैं, और इनके बहुत सारे टाइप होते हैं, चार क्लासेस होते हैं। क्लासेस में नहीं जाना, आपके बुक में दो का जिक्र है, इसलिए मैं बता रहा हूं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आज के लेक्चर की वो क्या है कि भाई गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, सीड कैसे बना, फ्रूट कैसे बना, फर्टिलाइजेशन कैसे हुई, कॉन्सेप्ट ऑफ पोलिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ पोलिन ग्रेन, ये जो हमने पढ़ा ये मजाक थी, अभी बातें जो है असली हैं। जिम्नोस्पर्म प्लांट आर मोनोशियस, मे बी मोनोशियस, मे बी डायोशियस, एंजियोस्पर्म मोनोशियस डायोशियस दोनों हो सकते हैं, पढ़ाऊंगा। सुने भाई, अदाबदोदा, मैं अभी बात कर रहा हूं जिम्नोस्पर्म को छोड़ के रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म का। वकार छा दो, डिसिंग परेशान आ जा, गालायो छो था पढ़ाऊ ना, तेरो प्लांट मातंग छो थे आओ अजीब कोडिंग या
ना ये पीएमसी में तो पूछा है सुभाने पीएमसी जो टॉपिक पढ़ता है ताकत वारो ठीक है अच्छो मोटी है चो। मैं अभी पढ़ा रहा हूं एनजीओ स्पर्म के अंदर रिप्रोडक्शन बॉयज ब्रायो एंटेरिडो में पोलन ग्रेन बने थे नहीं ना पोलन ग्रेन ना सीड ना फ्रूट ना फ्लावर जमनो और एनजीओ दोनों में पोलन ग्रेन भी बनेगा और सीड भी बनेगा बाकी फ्रूट ओनली एंजियोस्पर्म में। फ्रूट भाई एक लालच है ना हमें एक लालच है। एनजीओ बड़े चालाक हैं उनको पता है कि भाई इंसेक्ट भी ऐसे नहीं आने वाले। मैं पढ़ाऊंगा कि जिम्नोस्पर्म जो है पोलन ग्रेन बनाते हैं हल्के से पंख वाले कि पोलन ग्रेन उड़ के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचे तो ज्यादा पोलन ग्रेन बनाते हैं हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में। एंजियोस्पर्म ने कहा इतनी एनर्जी हम वेस्ट नहीं करेंगे हम क्या करेंगे थोड़े पोलन ग्रेन बनाएंगे और तरीका नंबर 13 स्टार्ट करेंगे कौन सा लालच देंगे इंसेक्ट को सांप को बेट को बर्ड्स को नेक्टर बनाएंगे जूस बनाएंगे। तो जैसे वो इंसेक्ट वो ये एनिमल आएंगे हमारे ऊपर बैठेंगे तो हमारे पोलन ग्रेन चिपकीले होंगे वो इनसे चिपक जाएंगे। जब ये उठ जाएंगे जिधर भी किसी और जमनोस भाई अगर कोई इंसेक्ट नेक्टर चूस रहा है घूम रहा है खाने पीने के लिए शहद बनाने के लिए या किसी और चीज के लिए तो वो अगर फ्लावरिंग हो रही है जिम्नोस्पर्म में तो सब जिम्नोस्पर्म पे घूमेगा। एंजियोस्पर्म में किसी प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है डेड पाम में तो डेड पाम के ऊपर घूमेगा जिस प्लांट में फ्लावर है ही नहीं उसके पास थोड़ी जाएगा। तो ये क्या करते हैं नेक्टर बनाते हैं और नेक्टर खाने पीने के लिए इंसेक्ट आता है उसकी टांगों पे उसकी बॉडी पे पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद ये इंसेक्ट दूसरे किसी प्लांट पे जाएगा वहीं पे भी बैठेगा बाय चांस अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे बैठ गया तो वो पोलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे चिपक जाएंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मोर अट्रैक्टिव है पोलन ग्रेन को कैच करने वाला है ट्रैपिंग सिस्टम उसके अंदर रखा गया है। तो पोलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू भी हो जाएगी। जब इंसेक्ट डायरेक्ट इधर से उठा के उधर हाथ से रख रहा है तो जिम्नोस्पर्म की पोलिनेशन कैसे हो रही है इधर से एक जिम्नोस्पर्म है इधर दूसरा ये पोलन ग्रेन बना के हवा से इधर भेज रहा है। हवा के पास हाथ थोड़ी है कि इधर से उठा के सीधा इधर पे रखे। तो जिम्नोस्पर्म इसीलिए ज्यादा पोलन ग्रेन बना रहे हैं कोई तो पहुंचेगा तो चांसेस कम है पोलिनेशन के। जिम्नोस्पर्म में ओनली पोलिनेशन हो रही है हवा से एनिमोफिली और एंजियोस्पर्म ने क्या किया शॉर्टकट ढूंढ लिया पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। हवा के थ्रू भी पोलिनेशन करते हैं और एनिमल के थ्रू पोलिनेशन करने के लिए एनिमल को लालच देनी पड़ी। लालच देने के लिए कोरोला बनाया गया कलरफुल पार्ट कि अच्छा भी लगे फ्लावर है ना ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट होके आए और इसमें जूस भी होना चाहिए ताकि वो पिए। भाई अगर अच्छा भी ना लगे खाना भी ना लगे तो इंसेक्ट कुछ किस खुशी में आएंगे। अच्छा ये लालच दी किसको इंसेक्ट्स को एनिमल्स को फर्दर पोलिनेशन पोलन ग्रेन के और हमें भी लालच दी फ्रूट बना के दिया फ्रूट बना के दिया फ्रूट के अंदर सीड बना के दिया। अब आप पीच खाएं पीच का सीड थोड़ी खाएंगे आम खाएं आम का सीड खाएंगे तो आपने फ्रूट खाया ये फ्रूट आपके लिए बनाया आप खाएंगे अपने जो रिलेटिव्स हैं दोस्त हैं उनको देंगे अगर कंट्री की लेवल पे बात करें किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट करेंगे जिधर भी वो फ्रूट जाएगा सीड वो आदमी खा के फेंक देंगे। जहाँ पे सीड फेंकेंगे वहाँ पे उनका बच्चा पैदा होगा ये खुश होंगे एंजियोस्पर्म के हमारे प्लांट अमेरिका में भी ग्रो कर रहे हैं। तो हर जगह जाने की ख्वाहिश किसकी है एनजीओ की जमनों की। तो एनजीओ ने ज्यादा जगहों पे जाने के लिए बड़े कशाले किए हैं और गए हैं और चेंजेस लाई हैं हर जगह मिल रहे हैं। तो सबसे इवॉल्व प्लांट हर एंगल से एंजियोस्पर्म है ठीक हो गया। चलो अभी रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं भाई सुनिए कहां से बात स्टार्ट कर रहे हैं के फ्लावर है फ्लावर के कितने पार्ट हैं
एक तो ये फ्लावर का स्टॉक जिसको क्या कहते हैं, पिटियोल, सॉरी पेडिसिल, पिटियोल तो लीफ के स्टॉक को कहते हैं ना, पेडिसिल, और ये मोटा पोर्शन ऑफ द फ्लावर थैलेमस, क्या थैलेमस, और इस पे लगी हुई ये ग्रीन कलर की पत्तियां जो ब्रिंजल के ऊपर लगी होती हैं, इन एक दो तीन चार पांच, चार भी हो सकती हैं, छह भी हो सकती हैं, आठ भी हो सकती हैं, इन सबको मिला के कहते हैं कैलेक्स, मगर एक एक को सेपल। ये ग्रीन होती हैं, जब फ्लावर नया निकलता है तो ये बंद होती हैं, सारा फ्लावर इनके अंदर होता है। तो जब फ्लावर बंद होता है, मतलब अर्ली फ्लावर है, मतलब बडिंग स्टेज में है, बडिंग स्टेज में ये ग्रीन पत्तियां फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं, और जब फ्लावर बन जाता है अंदर से तो ये खुलती हैं, तो अंदर से फ्लावर खुलता है, और जब फ्लावर खुलता है तो ये उस फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं, सपोर्ट करती हैं, ठीक है। चलो, ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस भी करेंगी, ओके भाई, बडिंग के टाइम फूड भी देंगी, फ्लावर को फूड दूसरे लीफ से भी आता है, इस ग्रीन पत्तियों से भी जाता है, ये वाली केलक से भी जाता है। इसके अलावा दूसरे वाले अब हैं फ्लावर के पार्ट्स जिनको हम क्या कहते हैं, कोरोला। एक एक को पेटल, पांच हैं, दस हैं, बीस हैं, तीस हैं, सबको मिला के। अब ये कैलेक्स और कोरोला का कॉन्सेप्ट जिम्नोस्पर्म में नहीं होता, सारे जो जिम्नोस्पर्म के लीफ होते हैं कैलेक्स की तरह होते हैं, मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके कि कैसे है। अब पहले एंजियोस्पर्म पढ़ा लूं, फ्लावर एंजियोस्पर्म में, जमनों में नहीं है, जमनों में स्ट्रोब्यूला की तरह फ्लावर है, जस्ट उसको कौन कहते हैं, मतलब वो लीफ होंगे सारे हरे भरे ग्रीन होंगे, और उनके अंदर ओव्यूल लगा होगा, ओव्यूल पे सीड बनेगा जिम्नोस्पर्म में। अच्छा, ये कितने टाइप के पार्ट हो गए फ्लावर के, थैलेमस और इन दो को छोड़ दें तो ये फ्लावर का पार्ट नहीं काउंट करते हम, कैलेक्स एंड कोरोला दो। अब अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, तो इसके बाद जो फ्लावर का मेन पोर्शन है सबके बाद बीच सेंटर पर, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम कहते हैं गायनोशियम। गायनो मतलब फीमेल, शियम मतलब हाउस। एक पार्ट को गायनोशियम नहीं कहते, ऐसा एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, सबको मिला के फीमेल हाउस। एक एक को हम क्या कहते हैं, कार्पिल, या कहते हैं पिस्टिल, कार्पिल या कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैलेक्स कोरोला एंड ओनली फीमेल पार्ट होता है, मेल नहीं होता। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कैलेक्स कोरोला एंड ओनली मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट नहीं होता। तो ये प्लांट यूनिसेक्सुअल या बायसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। एग्जांपल, एंजियोस्पर्म में खजी, डेड पाम का मेल जुदा होता है फीमेल, बनाना यूनिसेक्सुअल है बनाना, ठीक है, मेजॉरिटी बायसेक्सुअल है, मेजॉरिटी यानी एक ही फ्लावर पे मेल फीमेल दोनों पार्ट होंगे। चलो, एक्चुअली ये लीफ है, एक्चुअली कोरोला भी, यार अगर आपसे मैं पूछूं कोरोला कैसे कलरफुल बना, बताएं भाई, लीफ है, क्लोरोफिल को हटा लें, डाइजेस्ट कर लें, तो बाकी बचेंगी कलरफुल पिगमेंट, वो कलर दिखाएंगी अपना। तो इन कोरोला के अंदर कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमो, क्रोमो बनाए तो ये पेटल बन गया, कोरोला बन गया। अगर इसमें इंस्टॉल करेंगे क्लोरोफिल पिगमेंट, देन ये सिंपल लीफ बन जाएगा। तो अनइंस्टॉलेशन की गई है किसकी, क्लोरोफिल की, ये पेटल बन गया है। और गायनोशियम से क्या किया गया है, गायनोशियम ये भी तो लीफ है ना, अब इसको हम कह रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, था लीफ, इसमें क्लोरोफिल भी गई, क्रोमोप्लास्ट वाली सारी पिगमेंट गई, नहीं भाई पिगमेंट का काम ही नहीं है इस लीफ में, शेप भी चेंज हो गई,
इसमें बनाई गई स्पोरेंजियम, फीमेल स्पोरेंजियम बनाई गई, बस ये फीमेल पार्ट हो गया। प्रीवियसली ये लीफ था, अभी क्या कहते हैं इसको, मॉडिफाइड लीफ। तो फ्लावर सारा ये क्लस्टर ऑफ लीफ है स्ट्रोबुला की तरह, मगर स्ट्रोबुला में सारे लीफ एक जैसे, यहाँ पे अलग अलग काम है लीफ के। कैलेक्स को ग्रीन बनाया गया ताकि प्रोटेक्ट करे, कोरोला को कलरफुल बनाया गया और नेक्टर बनाया गया, गाइनोशियम को फीमेल स्पोरेंजियम के लिए बनाया गया और एंड्रोशियम को मेल स्पोरेंजियम के लिए, माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए बनाया गया। समझ आ रही है? चलो नहीं भी आ रही तो भी सुने, फिर सुने, फिर सुने, फिर समझ आ जाएगी। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, अगर मैं कहूं पिस्टिलेट फ्लावर मतलब उसके पास, या कहूं कार्पिलेट फ्लावर, तो ये यूनिसेक्सुअल के नाम है। यूनिसेक्सुअल तो है, मेल है या फीमेल है। अगर पिस्टिलेट कह रहा हूं तो मतलब यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है। समझ आ रही है? चलो दूसरा पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एंथर। इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट, और ये कनेक्टिव पोर्शन होता है। ऐसे कार्पल के भी नाम होते हैं पार्ट के, कौन से का पार्ट के नाम होते हैं कार्पल के, स्टिग्मा स्टाइल एंड, ये स्टिग्मा और ये स्टाइल और ये मोटा स्वेलिन पोर्शन, ये इज कॉल्ड एज ये ओवरी, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा। चलो सुने भाई, ये कौन सा पार्ट है, मेल, सारा मेल, उसके पार्ट है फिलामेंट एंड। अब ये जो सारा मेल पार्ट है ना, मेल पार्ट को क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। सारे को कहते हैं, सारे को कहते हैं एंड्रो, एंड्रोशियम। एंड्रो मतलब मेल, शियम मतलब हाउस। एक को नहीं, एक दो तीन चार पांच छह दस बीस तीस जितने भी हैं सबको मिला के, अगर एक हो, ओनली एक हो, ये वाला अकेले, इसको नहीं सिर्फ एक को, तो कहते हैं स्टेमिन। तो स्टेमिन के कितने पार्ट हैं, एक है एंथर और दूसरा है फिलामेंट। बात समझ आ रही है? अब सुने, ये तो थी डिस्क्रिप्शन, अभी प्रोसेस में जा रहे हैं के भाई मेल पार्ट में मेल गेमेट कैसे बनेगा, फीमेल पार्ट में फीमेल गेमेट कैसे बनेगा, और मेल पार्ट वाला मेल गेमेट कैसे जाके फीमेल गेमेट तक पहुंचेगा, कैसे फर्टिलाइजेशन होगी, कैसे सीड और फ्रूट बनेगा। ठीक है, अभी प्रोसेस पढ़ना है, उसके लिए रिकैप करना पड़ेगा, रिवीजन करनी पड़ेगी। मुझे बताएं टेरिडोफाइट, नया टेरिडोफाइट कैसे बनाते हैं, सीड से या स्पोर से? स्पोर से, ब्रायोफाइट भी, मगर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ने कहा भाई स्पोर से नया प्लांट नहीं बनाएंगे, स्पोर के बाद गेमेट बनाएंगे, गेमेट फर्टिलाइज करेंगे, सीड बनेगा, सीड से नया प्लांट। तो समझ आ रही है बात कि स्पोर जर्मिनेट करेगा तो गेमेटोफाइट जमीन पे पैदा होगा, जिसको कहा था थेलस या टेरिडोफाइट में प्रोथेलस। समझ आ रही है बात, किसने जर्मिनेट किया था, ब्रायो एंड टेरिडो में स्पोर, एप्लॉइड था डिप्लॉइड था, एप्लॉइड था तो थेलस और प्रोथेलस, एप्लॉइड थे डिप्लॉइड थे, एप्लॉइड थे। अब क्या कर रहे हैं, अब डायरेक्ट जमीन से गेमेटोफाइट नहीं, थेलस नहीं, प्रोथेलस नहीं, स्पोरोफाइट ग्रो करेगा भाई, सीड, सीड के अंदर जायगोट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डिप्लॉइड, तो डिप्लॉइड तो सीड एम्ब्रियोफाइट है या गेमेटोफाइट है, सॉरी स्पोरोफाइट है या गेमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट क्योंकि डिप्लॉइड है, फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफाइट है। तो यहां पे क्या चेंज हुई है कि स्पोर बना के स्पोर को गेमेट में कन्वर्ट करके वही प्लांट के ऊपर उनको मिला के स्पोरोफाइट बना के फिर फेंको, स्पोरोफाइट फेंको मतलब सीड फेंको। समझ आ रही है? बस ये चेंज है किसमें, ब्रायोटेरिडो और जर्नो एनजीओ के बीच।
ठीक हो गया। अब इस चीज को समझना है कि ये सीड कैसे बनेगा, कैसे गिरेगा। तो भाई ऐसा नहीं है कि ये स्पोर नहीं बनाएंगे, ये भी स्पोर बनाएंगे, मगर स्पोर डिस्पर्स नहीं होगा, स्पोर्स को रखा जाएगा। सुनिए, तो ये जो एंथर है इसके अंदर कितने लोब हैं, एंथर के अंदर कितने लोब हैं, तो एंथर बायलोब्ड होता है, और लोब के अंदर चेंबर होते हैं, उन चेंबर के अंदर होती है स्पोरेंजियम। कौन सी स्पोरेंजियम? पढ़ाया था सलेजी नीला के अंदर, एट्रोस्पोरी। एट्रोस्पोरी, एक स्पोर छोटे दूसरे छोटे स्पोर, मेल के स्पोर काउंट किए जाते हैं और बड़े स्पोर, ये बात याद रखनी है क्योंकि एवोल्यूशन एट्रोस्पोरी से हो रही है। अगर मैं कहूं माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर, तो माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम से बनेंगे या मेगा स्पोरेंजियम से? माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम से, मतलब माइक्रोस्पोर मेल के स्पोर, मतलब मेल की स्पोरेंजियम को कहा जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम। तो मुझे बता एंथर के अंदर कौन सी स्पोरेंजियम होगी? माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कुछ भी नहीं है, चंद सेल हैं या एक सेल से मांस बनाए, जिनको कहा गया है कि भाई मियासिस करके आपने स्पोर बनाने, वो मास ऑफ सेल इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम। छोटा स्पोर बना रही है तो मेल स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम बड़ा बना रही है तो बड़ा स्पोर बनाने वाली स्पोरेंजियम कहां पे होगी? ओवरी के ओव्यूल के अंदर, ओवरी के ओव्यूल के अंदर स्पोरेंजियम होगी, यहां पे स्पोरेंजियम होगी, क्या कहेंगे उसको? मेगा स्पोरेंजियम। तो माइक्रो स्पोरेंजियम कहां पे है, मेगा स्पोरेंजियम कहां पे है, ये बात क्लियर की है आपने? तो नई स्लाइड पे चल रहे हैं, यहां पे बना रहे हैं ये एंथर, और इसको नेम दे रहे हैं कि यहां पे क्या है, माइक्रो स्पोरेंजियम, और यहां पे बना रहे हैं स्टिग्मा स्टाइल, एंड थोड़ा बीच पे लाना है इसको ताकि बात समझ आ जाए। यहां पे बना रहे हैं स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये, और बड़ी करके बनानी है ताकि बात अच्छे से समझ आ जाए। तो यहां पे ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल ओवरी में एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, 100 भी, 1000 भी, ओवरी के अंदर ओव्यूल। ओव्यूल से क्या बनता है? सीड। एक ओव्यूल तो एक सीड, दो ओव्यूल तो दो सीड, तीन ओव्यूल तो तीन सीड। अब भाई देखें, आम के अंदर एक सीड है, ओवरी के अंदर एक ही। अनार देखा है, अनार उसके अंदर सीड कितने हैं? फ्रूट भी ज्यादा है, ये एक फ्रूट नहीं है जो हम खाते हैं, एक दाना एक फ्रूट है। इट मींस ओरीज भी बहुत हैं, और हर ओरी में एक एक ओव्यूल है अनार के अंदर। वो खाई है ऑरेंज गावा, जैतून। जैतून के अंदर कितने सीड हैं? इट मीन्स ओवरी ज्यादा है या ओव्यूल ज्यादा है? ओवरी एक ही है, फ्रूट एक ही है। ऑरेंज के अंदर, ये जो ऑरेंज खाते हैं हम, हमारे लिए तो एक है, फ्रूट एक नहीं है, एक एक जो उसका हिस्सा होता है एक दाना, क्या कहेंगे, हिस्सा, फाल, फली, जो भी कह लें, स्लाइस। भाई ठीक है, अंग्रेजी चलें तो काम चलेगा, उर्दू के जो है ना वो खत्म हो जाएंगे। एक स्लाइस अगर खाएंगे, निकालेंगे, सेपरेट करेंगे, इजीली दूसरी से सेपरेट हो जाएगी ना। ये एक ओवरी से एक फ्रूट बना है, इसके अंदर एक से दो से तीन बीज होते हैं, ये इतने ओव्यूल थे जितने ओव्यूल। अगर किसी के अंदर एक सीड, किसी के अंदर दो, किसी के अंदर तीन, ये क्या है? किसी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुई, किसी के अंदर नहीं, किसी के अंदर नहीं, तो जितनी बार फर्टिलाइजेशन हुई उतने सीड बने। यहां से कल स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। हमने क्या पढ़ा है? जमनो और एंजियोस्पर्म क्या रह रहा है, सीड कैसे बनेगा, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोलिनेशन, ये वो,
पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दो टॉपिक रह रहे हैं बस। स्लाइस मिल गया और बनती है बिल्कुल। चादो चाहिए अदना।